आईफोन में एक्सेंडर की वीडियो गैलरी में कैसे लाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अगर आईफोन यूज़ करते हो और उस पर आपने जो है अपने किसी फ्रेंड से एक्सेंडर ऐप में कोई भी वीडियो अगर आपको लिया होगा तो वो आपके आईफोन का जो एल्बम वाला जो गैलरी वाला जो ऐप है उस पर फोटो या फिर वीडियो शो नहीं करता है, तो आपको कैसे वहाँ पर शो कराना है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, आपको पूरा ए टू जेड डिटेल में बताऊंगा कैसे आप जो है अपने दोस्त से फाइल को लेते हो एक्सेंडर में वीडियो वगैरह को, तो वो गैलरी पे नहीं दिखाई देता है तो वो आपको ऐड करना रहेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने दोस्त का जो मोबाइल रहेगा उससे अपना जो एक्सेंडर रहेगा उसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन है, तो यहाँ पर मेरा जो दोस्त है वो जो है एंड्रॉयड मोबाइल रखा है और उसके एंड्रॉयड मोबाइल से मैं जो है वीडियो को अपने मोबाइल पर ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे उसके पास मोबाइल है, तो उसका मोबाइल मैं यहाँ पे लिया हूँ और चलिए सब फटाफट यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और एक वीडियो मैं आपको भेज के बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये मेरा आईफोन है, ये दोस्त का एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे मैंने इस तरीके से ये वीडियो जो है सेलेक्ट कराया है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो आईफोन है उस पर जो है रिसीव होने के लिए आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो लग चुका है और यहाँ पे ये जो वीडियो है वो आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐप वगैरह भी आ रहा है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दो वीडियो यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे मैं जो है अपने आईफोन का जो गैलरी वाला जो ऐप है उस पर चले जाऊँगा और यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर जो वीडियो है वो शो नहीं करता है, ठीक है। तो उस वीडियो को हमको जो है ऐड करना होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना होगा। यहाँ पर आपको जो है आ जाना रहेगा वीडियो वाले ऑप्शन पर और आपको जो भी वीडियो करंट में रिसीव हुआ होगा यानी कि अभी जस्ट रिसीव हुआ है तो ये वाला वीडियो है। बहुत सारे भाई लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो तो प्ले हो जाता है, यानी कि एक्सेंडर ऐप में वीडियो रहता है लेकिन गैलरी पे शो नहीं होता है, ठीक है। मेरे दोस्त लोग बोले कि मैं जो है एक्सेंडर से वीडियो को लिया हूँ तेरा और वो जो है वीडियो तो एक्सेंडर ऐप में जाके क्लिक करके प्ले करता हूँ, यहाँ पे प्ले करूँगा इस तरीके से तो ये प्ले हो जाएगा, लेकिन ये प्ले हो जाएगा लेकिन ये जो है गैलरी पे नहीं आता है आईफोन के। तो वो कैसे हम लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे जो भी वीडियो आपको गैलरी पे लाना है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेव टू एल्बम, ये आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपका वीडियो रहेगा वो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो लाइव आपके सामने आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे मैं अगेन इसको करूँगा तो सेव, यहाँ पे सेव टू एल्बम करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो है दोबारा चेक करोगे तो वो वीडियो यहाँ से गायब हो जाएगा और वो जो है आपके यहाँ पर गैलरी पर आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्सेंडर का वीडियो रहता है वो जो है गैलरी पे नहीं आता है तो कैसे लाते हैं। अब आप सोचोगे दोस्तों यहाँ पे मैं जो है एक एक करके लाया हूँ तो इसको सेलेक्ट करके अपने आईफोन के गैलरी पे लाऊँ तो ये होगा कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं पर भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, यानी कि आप जो है सेलेक्ट करके एक साथ एक ही बार में गैलरी पर नहीं ला पाओगे वीडियो को, ये आपका ये दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये दिक्कत है तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप जो है अगर आपने वीडियो को अगर आईफोन यूज़र के साथ से शेयर करते हो यानी कि आईफोन यूज़र रहेगा वो और उससे आप वीडियो को लेते हो तो आप जो है एयर ड्रॉप की मदद से ले सकते हो वीडियोस वगैरह को, लेकिन अगर आपको जो है वीडियोस चाहिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल वाले दोस्त का तो आपका वीडियो तो आ जाएगा यहाँ पर और एक्सेंडर ऐप में आप आके प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गैलरी पर चाहिए तो आपको ऐड करना होगा तभी आएगा वो भी एक एक करके। तो ये थोड़ा सा दिक्कत लगता है दोस्तों आईफोन पर, सोचोगे आप तो इन फ्यूचर हो सकता है एक्सेंडर में कोई अपडेट आ जाए या आईफोन कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आ जाए जिससे हम जो है यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर पाएँ और सिलेक्ट करके डायरेक्ट हम जो है अपने आईफोन के गैलरी पे ला पाएँ वीडियो को, ठीक है। बाकी अभी तो नहीं है ऑप्शन, एक करके आपको लाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आप जो है अगर अपने दोस्तों को कुछ भी शेयर करना चाहते हो अपने आईफोन का डाटा वीडियो फोटो, ठीक है, तो वो एक्सेंडर पर शो नहीं होता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ क्लियर जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक्सेंडर का ऐप कहाँ है भैया, ये रहा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा
और यहाँ पे एक ऑप्शन है फोटोज़ वाला, इस पर मैं क्लिक करके सेलेक्टेड फ़ोटो कर दूंगा, ठीक है, अब डन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं जो है कभी भी जो है अपने जो आईफोन है उस पर जो है एक्सेंडर का जो ऐप है उसको ओपन करूँगा। ये देखिए मैं इस तरीके से एक्सेंडर ऐप को ओपन कर देता हूँ, और एक्सेंडर ऐप को ओपन करूँगा तो इस तरीके से बताया जाता है, और यहाँ पर जो फ़ोटोज़ वगैरह रहेगा वो आपको शो नहीं होता है। ये देखो इस तरीके से शो नहीं होता है, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको जो है फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सेंडर ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे जब भी आप ओपन करोगे इस तरीके से बताया जाएगा आपको, कहाँ पे ऑप्शन खुल गया है, अरे भाई इसको बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं। ये देखो इस तरीके से बताया जाएगा आपको, ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए, आप सेलेक्ट करोगे तो जो फोटो वीडियो आप सेलेक्ट करोगे वही फोटो वीडियो यहाँ पे आता है और बाकी सब नहीं आता है। तो आपको सभी फ़ोटो और वीडियो को शो कराना है आपके आईफोन का एक्सेंडर ऐप में, तो आपको यहीं पर आना रहेगा, जो आपका ये सेटिंग है उस पर आपको आ जाना है, और सेटिंग पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना रहेगा, जो ऐप है एक्सेंडर का उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड फ़ोटो पे आके आपको ऑल फ़ोटो कर देना है। उसके बाद आपके आईफोन में फ़ोटोज़ वीडियो जितना भी होगा वो जो है एक्सेंडर ऐप में शो होगा, और आप जो है उसको अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ बताया दोस्तों, कि आप जो है अपने आईफोन में जो शेयर करके जो आप रिसीव किए हो वीडियो वगैरह को उसको कैसे गैलरी पर ला सकते हो, और दूसरा जो है दोस्तों आप जो है एक्सेंडर ऐप से किसी दूसरे को भेजना चाहते हो तो उस पर जो है वीडियो और फोटो शो नहीं करता है, सभी फोटो वीडियो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, नहीं हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लो, इससे क्या होगा आपको इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपके आईफोन पे। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं।